इस चोरी के बच्चे ने लायन की मौत पे ड्रामा करके मुझे ब्लैकमेल करा था। आज मौका बढ़िया है, तू भी वैसा ही ड्रामा कर दे। बेइज्जती होने के डर से चोरी तेरी रकम वापिस कर देगा। तो मुझे छोड़ के क्यों चली गई? मैं तेरे बिगर नहीं रह सकता। गुलाबो मेरे गुलाबो, मैं तेरे बिगर नहीं रह सकता। ओए मेरे गुलाबो के बच्चे, हो क्या सांग जोड़ रहा? तुझसे बेइज्जती करवाऊंगा क्या? वो मेरी मैनेजर जोड़ तेरे को पड़ रहा। तू बेइज्जती कर रहा? मेरे गुलाबो, मैं तेरे बिगर नहीं रह सकता। ओए मेरे गुलाबो के बच्चे, हो क्या सांग जोड़ रहा? गुलाबो हाय मेरे गुलाबो, मैं तेरे बिगर नहीं रह सकता। तेरी चाल तेरे पे फेंक रहा हूँ चौधरी। या तो मेरी रकम लुटा दे, नहीं तो तेरा मैं फजीता कर दूंगा यहाँ पे। ओ लाला के बच्चे, बात तू भी चाहे कुछ ही कर ले, पर तेरा भी धल्ला देने वाला है। तू तो मुझे अपना चांद कहती, तू ही मुझे छोड़ के चली गई। अब मुझे चोरी चोरी दूध कौन पिलाएगा गुलाबो? गुलाबो तू मुझे छोड़ के क्यों चली गई? आए गुलाबो, तू मुझे छोड़ के क्यों चली गई? अब मैं तेरे बिगर नहीं रह सकता गुलाबो। भाई चौधरी साहब, हमारी आवाज सुन नहीं, ये घेंट लाना पड़ रहा। मरिया चौधरी, मुझे ऐसा लगा कुछ कर रहा है। कैसे करो तेरा चौधरी क्या? नहीं मतलब यार, चार आदमी बेइज्जती कर रहा। गुलाबो गुलाबो गुलाबो, मैं बता दा भैया क्या करूं। अच्छा बताइए, ले पकड़ ले। आटा छान रहे श्री राम भाईजान? भाईजान जल्दी बना लो खाना, दोनों में आवाज ही भर रही है, वरना कुछ होने वाला। भैया दाल में सीटी आ गई, कर रही फुर 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 कर रही है। ये कैसा खाना बनाया है? इतना नमक फूक रखा है इसमें। तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया ना सिखाया, खाना बनाना भी नहीं सिखाया। ऊंट के ऊंट हो रहे हो, गांव के प्रधान हो, ये रोटी भी जली भी बना दी। बर्तन भी साफ करके खाना नहीं बनाया, कितने गंदे बर्तन हो रहे हैं। भाभी जैसी पक गई वैसी खा लो ना। सलमा तू बीच में मत बोल। अबे हमें तो बोलने का मौका दे दो। आज सच्ची बनाएंगे, हमारी तो भाभी बनाती थी, पता नहीं से क्या हो गया। जब दोनों की कमाई खाएगी तो पकाएगी नहीं। क्या कह रही है हराम जादी, अभी बता दूंगी। अरे खाना तो खा लो। आराम से खा लो, तुम पे खाया भी नहीं जा रहा। क्या कहा? खा लो खा लो, हमें तो गांव में काम से जाना। हाँ जाओ निकलो। क्या कह रही थी तू प्रधान के सामने? प्रधान के सामने? हाँ प्रधान के सामने क्या, मैं तो तेरे आगे भी बोल रही थी। सुतरी तेरा मुंह पीट दूंगी ज्यादा बोलेगी तो। मैं कह रही हूँ कल की आई हुई बात बना रही है, मान जा अभी बता दूंगी तुझे। मान जा, देखियो मान जा, पकड़ इसे, पकड़ इसे, छोड़ दे इसे, पकड़ ये, छोड़ दे इसे, इसे क्यों मार दिया तू? मान जा, मार कर छोड़ेगी क्या इसे? छोड़ दे, चल हट, ले जा इसे यहाँ से, चल चल अंदर चल। बोलने में तो बड़ा पल ले रही है। Thank you.
प्रधान जी। हाँ ये लग तो सरकारी आदमी रहा। हाँ लग तो सरकारी रहा, लोगों को क्या पट्टी पढ़ा रहा है, चल के देखते हैं। भाई तुम दिक्कत मत लो, सबको पैसा मिलेगा लेकिन मिलेगा प्रधान फंड से। ठीक है। और सर सेक्रेटरी साहब कैसे हो? कैसे क्या, तुम्हारे गांव वाले लोगों के साइन हो गए हो तो सबसे पहला पैसा आपके गांव वाले लोगों को मिलेगा। लाओ तो दे दो फिर। क्यों प्रधान जी, चाय पिलाने के मारे हिस्से टरकाना चाह रहे हो? हम टरका रहे हैं तो गांव में फिर कहा है, गांव की समस्या देखा है, समस्या देखा है गांव की। अरे वह चाय पीने के बाद घर चलो, चाय पी के जब जाना चलो। कागज कहा दस्तक के गाड़ी में कागज। भाई जी गाँव में साहब आए, चाय लाओ बढ़िया सी चाय लाओ। खबरदार जो चाय बनाई अब पता चलेगा प्रधान और प्रधाननी को। प्रधान जी हमने सुना प्रधाननी आई है, उनके हाथ की चाय पियेंगे। वो प्रधानी की उंगली कट रही है, उंगली। हाँ जी उंगली कट रही है। मैं देखता हूँ। अजी रहन दो प्रधान जी, तुम कहीं मत जाओ, तुम साइन करो पैसे लो, मुझे और गांव में भी जाना। ठीक है अपने साइन करवाओ और काम निपटाओ। फिर मिलते हैं। अरे जमीला यही इज्जत करेगी हमारे लोगों के सामने? तुम्हें चाय के लिए कहा था पर कुछ नहीं। और एक बात सुन लो, मेरे कपड़े आने और सलमा के भी। मेरा नाम क्यों नहीं लिया, मैं क्या इस घर में भाग के आई हूँ? तुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, समझी? समझ के ही आई हूँ, वरना सारा काम टाइम पे होता। बस एक बात सुन ले, इसे इज्जत करनी जानती है तू? किसी को चाय ना पानी, मैं इस गाँव का प्रधान है। प्रधान खती अभी बनवा दो प्रधान, अगर तुम प्रधान हो ना तो मैं भी प्रधाननी हूँ, प्रधाननी। अरे भाई प्रधान तू इनके मुंह मत लग, चल गांव में चल रहे, चल जाओ, इन्हें तो मैं देखूंगी। अभी मिल गया चैन, आ गया साबर, सूट पहनूंगी, सूट पहन ले, जम्पर सिलवा ले। तू भी सिलवा ले सूट, मुझे ना भाई तुम दोनों फिर चालू हो गई, चलो अंदर। दो घंटे हो गए बैठे, प्रधान जी भी आए नहीं। लो आ गए प्रधान जी, अब बोलो क्या बोलना है। बोलो। पर चुप क्यों हो गए, हमने सब सुन लिया। क्यों भैया? हाँ भैया, जो तुम लोगों ने अंगूठे लगाए हैं वो उल्टे लगा दिए। क्या अंगूठा उल्टा, वो कैसे प्रधान जी? यार ये भाई भी हमारा रोज नए नए फलंतरे फांसता रहे हैं। क्या सोच रहे हो प्रधान जी? कुछ नहीं भाई, सोच रहा कुछ नहीं, जिन लोगों ने अंगूठे उल्टे लगाए ना अब उन्हें 100 रुपए देने पड़ेंगे जब ये कागज सूदे होंगे। क्या भैया? हाँ जी हाँ, सरकारी आदमी आके हमारे घर 4 बात सुना के गया। और बात सुन लो, और ये कहेगा जिसने अंगूठे लगाए साला पागल है, बदतमीज है। क्या वो मुझे गाली दे रहा था, उसकी ये मजाल? गाली तो वो दे गई जो अंगूठे उल्टे लगवा दिए, तो अब हर घर से 100 रुपए देने पड़ेंगे। ओ भाई हमें देने की जरूरत नहीं है, हमारे क्या कमी है। अरे एक बात सुन लो, हम तो उन आदमियों को चाय नाश्ता अड़गम सड़गम बीड़ी सिगरेट सब पिलाते हैं, और तुम्हारी खातिर पिलाते सब। क्या भैया आगे तुम बताओ? हाँ भाइयों, हम बेईमान तो नहीं है, वो तो तुम ये सोच रहे हो जैसे वो हमारे घर में नोटों की गड्डी दे गया हो। मैं हमारा ये कहना है 100 रुपए अंगूठे में सही करवा लो, अभी टाइम है। ठीक है प्रधान जी, अब अपना सीधे करवा लो अंगूठे, इस पागल ने उल्टे जो लगवा दिए। हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम पागल हैं, हम आज पहली बार सुन रहे हैं कि अंगूठे भी उल्टे लगते हैं। बा हम गांव के प्रधान है, हमारे सामने बोल रहा है। चलो भैया चलो। एक बात है भाई साहब, हम 100 रुपए गांव वाले से और लेंगे, साले हमारे काम आएंगे, प्रधानी का पूरा मजा लेंगे। मगर एक बात है भाई साहब, हमारे घर में प्रधानी जी नहीं है। हाँ ये बात तुमने सही कही, जब से रुखसाना आई है जमीला भी काटने को आती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बात है। आ जाएगा मैंने सारा प्लान बना रखा। क्या भैया? वही मैंने दिशा सुधार पालन पास करवा रखा,
ये क्या होता है भैया? ये होता है भैया, जब मैं इस्तेमाल करूंगा ना एक टमाटर भी फेंक दूंगा। हाँ चलो। तेरा क्या, तू तो अपने घर चली जाएगी लेकिन इस घर में यही लड़ाई चलती रहेगी कि इस घर में किसकी चलती है। देख लिया किसकी चलती है, मेरा गोठा करा है काम। मैं क्या हो रहा भाई, किस्सा हमारे समझ रहे हैं कुछ? तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आने वाला, तुम खाना बनाते हो या नहीं? क्या नहीं भाई, इसका मामला समझ में नहीं आया। खाना पका लो सेठ जी, वरना क्या करेगी? वरना मैं समझा रही हूँ, वरना कुछ हो जाएगा। इसका मतलब जो मैं सोच रहा हूँ तू वो करेगी? हाँ जी हाँ जी। रुखसाना एक बात सुन ले, इस घर का मर्च का कैप्सूल ले आया हूँ मैं। क्यों भाई साहब? हाँ प्रधान जी, वो कैप्सूल इन्हें दिखाई दो, इनकी तो तबीयत ज्यादा खराब है। गोली लाओ या कैप्सूल, रोटी तो तुम्हें ही पकानी पड़ेगी। ठीक है, आज अभी इस घर की रोटी पकाने का काम खत्म करते हैं। देखा ये दोनों इनका बाप भी रोटी पकाएगा। मुझे ऐसा लगे तो आज कुछ करवा के मानेगी। हाँ देख लेंगे, ले भाई कुछ करवा के मानेगी। मुझे माफ कर दो, अब नहीं बोलूंगी, जैसे तुम कहोगे वैसे ही करूंगी। अजी मुझे माफ कर दो, आप जैसे कहोगे वैसा ही करूंगी। भाई एक बात बताओ, इस गांव के हम प्रधान और घर में कुछ नहीं? सब कुछ ठीक था जब से रुखसाना घर में आई है, जब से बिगड़ा है सब कुछ। और मुझे अभी कुछ नहीं करने देती थी भैया। शेख जी मुझे माफ कर दो, जमीला बाजी मुझे माफ कर दो, मैं तो क्या मैं तो बाजी, जब तुम मुझे देखने गई थी तुम कह रही थी घर में मेरी चलती है। आए है, बता सही तो कह रही थी, मेरी भाभी है वो। मैंने सोचा कभी मैं पीछे रह जाऊं। इन्होंने तो अपनी अपनी घमंड में हमें फंसा रखा है। मगर भाजा एक बात है, तुमने भाभी को लत मारा। भाई हमने तो पूरा गांव को पागल बना रखा और इन्होंने हमें पागल बना रखा। भाई इनकी ये नहीं समझ में आ रहा, हमने तो सरकारी गांव वालों से अंगूठे लगवा लगवा कर सारे गांव के पैसे हड़प कर लिए और गांव वाले ले लो टीली लीली झर। अबे टीली लीली झर तो मैं निकाल लूंगा तुम्हारा। दोनों भाई पूरे गांव वालों का पागल बना रहे, अब मैं जा रहा पुलिस में। भाई जान पुलिस में जाने की जरूरत नहीं है, अब हम ऐसा काम नहीं करेंगे। क्यों प्रधान जी? प्रधान जी की बात सुन लो,